तो चौथा प्री रेक्विजिट क्या है? एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी का, खुद एतमादी। और फादर ऑफ द नेशन की स्टेटमेंट है, खुद एतमादी, उम्मीद और हिम्मत। मेरे हम वतनों के लिए मेरा यही प्यार। तो फादर ऑफ द नेशन की मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज एंड क्या जी, हौसला के बाद, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड उम्मीद, होप। मैं उम्मीद देने आया हूँ, ना उम्मीदी के लिए नहीं आया। मैं ये नहीं कहने आया कि किसी सरकारी ऑफिसर के बेटे से चिट दोस्ती करके उसके बाप से चिट करवा के तो आप एंटर हो जाएं, उसमें आप दो चार महीने बाद निकाले जाएंगे। मैं बता दूं, हमजा शहबाज शरीफ की चिट या बिलावल की चिट से पाँच महीने चार महीने बाद फारग हो जाएंगे जब बंदा बच्चा चला जाए। तो उन चिटों पर ना जाए। इकबाल का शेर है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में। तो आपने फैसला करना है कि मैंने दुनिया आप पैदा करनी है। यू हैव टू मेक डिसीजंस। पहला डिसीजन है कि कीप ऑन बेगिंग फॉर द जॉब, और दूसरा डिसीजन है कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग फॉर गिविंग द जॉब्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट। अब स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट क्या है? ये एक स्टार्टअप, 80% स्टार्टअप फेल भी होते हैं, उसके पीछे वजूहात क्या है मैं आखिर में एनालिसिस करूँगा। मेरा 20 मिनट की टॉक थी, उन्होंने कहा वो गौरी साहब नहीं आ रहे तो मैं 10 मिनट और ले लूँगा, लेकिन मैं 30 घंटे बोल सकता हूँ। ये टॉपिक मेरे दिल से करीब है, पिछले 25-30 साल से मैं यही वारदात कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स। और मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं अपना ईमेल देके जाऊँगा, मोबाइल पे मुझे फ़ोन आ, ईमेल करें, मैं जवाब दूंगा और मैं आपको काउंसलिंग के लिए फ्री टाइम दूंगा। और व्हाट्सअप, ये इनका जो ग्रुप है वॉइस ऑफ पंजाब, इनके प्लेटफॉर्म से मैं अवेलेबल हूँ एज ए वॉलंटियर। ये इसके लिए अमेरिका में बाकायदा कंसल्टेंट होते हैं जो आवरली चार्ज करते हैं। हमारा आवरली चार्ज आपके चेहरे पर स्माइल है और मुल्क में गुर्बत का खात्मा है। ये पॉवर्टी एलिविएशन का तरीका है, नुस्खा कीमी है, ये गुर्बत मुकाओ मुहिम है एंटरप्रेन्योरशिप। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इसको बार बार प्रमोट कर रहे हैं कि 1 करोड़ जॉब्स यहाँ से निकलेंगे। बनते हैं मेरे कारगाए फिक्र में अंजुम, बनते हैं मेरे कारगाए फिक्र में अंजुम, ले आज अपने मुकद्दर के सितारे को तू पहचान, ले आज अपने मुकद्दर के सितारे। मुकद्दर का सितारा क्या है? कि जो बढ़ के थामले मीना उसी का है, बढ़ के थामले मीना उसी का। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? यू शुड बी एबल टू ड्रीम बिग, अलाउ पीपल टू लाफ एट योर बिग ड्रीम्स। जितना वो हंसेंगे उतनी आपकी साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा होगा। तो स्टार्ट बिग ड्रीम्स, पहली प्री रिक्विजिट है स्टार्ट बिग ड्रीम्स। बड़ी बड़ी ख्वाबें देखें, एंड एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ इंग्लिश की, ड्रीम बिग ड्रीम्स, नेचर हैज़ द फनी वे टू मेक दम ट्रू। कुदरत का तरीका वारदात है जब आप, और बड़ा फनी तरीका है जो हाजी मुश्ताक मैंने सिम्बॉलिकली यूज़ किया है। इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर ब्रदर, इट कुड बी योर फ्रेंड्स फादर, इट कुड बी योर फादर लॉ टू बी। जो बाप को प्रमोट होंगे तो कहेंगे यार अपनी बेटी भी इन्हें दे दो। इस हद तक होगा फिर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को उठाने के लिए आपको सबरे यूब भी मिल जाएगा। एक सड़क पर बंदा बैठा हुआ रो रहा है, आंखें उसकी अंधी हुई हैं, कहते हैं मैं 18 साल से रो रहा हूँ। मैं कहा आपका नाम क्या? कहते मेरा अयूब है, मेरा बेटा यूसुफ गुम गया। मुझे सब्र आ जाता है उसको देख के, हौसले के लिए मैं देखता हूँ। दो एक सैराब में एक औरत भागी जा रही है और दो पहाड़ों में चक्कर लगा रही है, उसका बेटा प्यासा है, पानी नहीं है उस सहरा में, और सहरा का नाम है मक्का। मेरे सामने बेटा एड़ी मांगता है तो जमजम फूट पड़ता है। तो कुदरत जमजम के जरिए हमें मैसेज दे रही है कि जितनी सही करोगे, जितनी कोशिश करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो कुदरत के इस मैसेज को समझें, मक्का की सॉइल केमिस्ट्री में पानी है ही नहीं है, पानी कहाँ से निकल आया? कोशिश के नतीजे में। जमजम भी यहाँ सिंबल है, जमजम भी अहल नज़र के लिए एक फिक्र का एक बहाना है, फिक्र का कुएं है। उस कुएं में डूबें और मुराद पा जाएं, अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी। इकबाल फिर कहता है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, मुझे ना पैसे दें, सरकार को पैसे ना दें, लेकिन अपना बन के अपने मन में डूब के सुराग ज़िंदगी पा जाएं। सुराग ज़िंदगी है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो दिल है ना, यहाँ पे कई लाख किलो टन का बारूद का जितनी एनर्जी है इधर। मैं 7 डेज ए वीक काम करता हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, और डॉक्टर ने कहा कि 2-3 घंटे ज़्यादा खड़े ना हो। मैं 12-12 घंटे खड़ा होकर ट्रेनिंग, कल मैं 12 घंटे ट्रेनिंग कराई है मैंने सवात में सुजुकी मोटर्स वालों को। क्यों कराइए? मुझे एनर्जी मिल जाती है सोचों से। आप सोचों से एनर्जी लें, सोचों से एनर्जी लें। यहाँ पैसे जो आप सोचें होती है ना, इसकी हिद्दत और शिद्दत इधर आती है, इधर से दोबारा इधर आती है, और ये जिस्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, और आप एक हॉरकुलिस बन जाते हैं, आप एक सुपरमैन बन जाते हैं। एवरीबॉडी सुपरमैन, जिसको एक अच्छा मिल गया वारदात दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, उसका सुपरमैन का सुपरमैनी एक्सपोज हो जाती है। एवरीबॉडी सुपरमैन। आगे चलते हैं जनाब, इस रेस्टलेसनेस, आप में इस्तराब होना ज़रूरी है।
اضطراب کیا چیز ہے؟ اقبال ایک شعر میں کہتا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کمفرٹ زون کے رہائشی اور باسیوں کے پاس، کمفرٹ زون کے رہائشی اور باسیوں کے پاس اضطراب نہیں ہوتا، بے چینی نہیں ہوتی، بے کلی نہیں ہوتی۔ بے چینی، بے کلی اور اضطراب، یہ تین چیزیں پری ریکوزٹ ہیں۔ کچھ نیا کر، چوتھا پری ریکوزٹ ہے۔ وکھری ٹائپ کی سوچ، پانچواں پری ریکوزٹ ہے۔ وکھری ٹائپ کی سوچ، وکھری ٹائپ کا رزلٹ۔ ہم سب لاہوری سٹائل کے پنجابی لوگ ہیں، ہم وکھری ٹائپ کی سوچ کے حامل ہوں گے تو آپ سب آئنسٹائن اور نیوٹن بننے لگ جائیں گے، آپ سب کے گراج میں وہ بننے لگ جائے گا ایپل، آپ سب کے کارگر فکر میں نئے نئے آئیں گے انٹرنیٹ کے سولوشنس۔ اس وقت میرے دفتر میں، لاہور اسکول آف مینجمنٹ میں، ہائیسٹ پیڈ کون ہے؟ ایم ایس پروفیسر نہیں ہے، ہائیسٹ پیڈ پروفیسر ہے میرے پاس بندہ ہے جس کے پاس کمپیوٹر کے اسکل ہیں، جس کے پاس یہ اسکلز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے، وہ 60,000 لے رہا ہے میرے ساتھ، اور نئے لیکچرر کی ایوریج تنخواہ 40,000 سے 50,000 ہے، وہ ایف اے پاس ہے، وہ ایم ایس کمپیوٹر ہے۔ تو اب دیکھیں اسکل کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے میں نخرس رہتا ہوں، اس کو کبھی ایئر وے سے آفر آ رہی ہوتی ہے، کبھی جیو سے آفر آ رہی ہوتی ہے کہ آؤ ہمارے ویڈیو ایڈٹ کرو آ کے۔ اب آپ اسکل پہ زور دیں، جو ڈگریاں لینی تھی لے لی، ایف اے کافی ہے پیسے کمانے کے لیے، مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ میرا بیٹا سلیکون ویلی میں 24-23 سال کی عمر میں کام کر رہا ہے، اس کی ایک کیس اسٹڈی سنا دوں۔ میرے اسلام آباد کی ٹریننگ کمپنی کی ساری سلائڈیں بناتا تھا، میرا انٹرن بھی تھا، جب امریکہ جا رہا تھا تو اسے میں نے ایک بات کہی، اس کے دل کو شاید لگ گئی۔ میں کہا تم واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہوئے ہو، اور واشنگٹن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کینیا میں پیدا ہوا تھا، بل کلنٹن، اور وہ 40 سال پہلے وہ دھوکا پی رہا تھا کینیا میں، اور تم 15 سال پہلے واشنگٹن میں پیدا ہوئے جہاں تمہارا باپ پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ تو اگر بل کلنٹن پریزیڈنٹ بن سکتا ہے تو تم تو سپر پریزیڈنٹ بن سکتے ہو۔ یہ بات اس کے دل کو کلک کر گئی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی آف میلینڈ میں پڑھتا پڑھتا سیکنڈ ایئر اس نے چھوڑا، اس کو جاب آفر ہوئی سلیکون ویلی میں، اور انہوں نے کہا کہ یو ڈونٹ نیڈ ڈگری، یو ہیو دا اسکلس، آ جاؤ۔ اور جاوا اسکرپٹ ٹائپ چیزوں میں وہ چیمپئن بن گیا۔